कि प्रियंका रेड्डी को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इसके लिए ट्विटर पर RIP प्रियंका रेड्डी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पशु चिकित्सक प्रियंका की जली हुई लाश हैदराबाद के बाहरी इलाके शाहनगर के अंडरपास के पास मिली थी। जियारंगा रेड्डी इलाके में गुरुवार की शाम स्थानीय नागरिकों ने डॉक्टर प्रियंका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में डॉक्टर प्रियंका की तस्वीर लगी तख्तियां ले रखी थी। गौरतलब है कि हत्या से पहले प्रियंका ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी और कहा था कि मुझे डर लग रहा है। इसके बाद प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसकी जली हुई लाश मिली। जी हां, मैकेनिक शमशेर आलम के अनुसार एक युवक डॉक्टर प्रियंका की स्कूटी लेकर बुधवार की रात के 9:30 बजे उसके यहाँ आया था। वह स्कूटी छोड़ गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टर प्रियंका की हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिशों में जुटी हैदराबाद पुलिस इसके लिए CCTV फुटेज का भी सहारा ले रही है। जी हां, पुलिस CCTV फुटेज के साथ ही डॉक्टर प्रियंका की कॉल लोग खंगाल रही है। इस संबंध में शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर प्रकाश रेड्डी ने मौका मुआयना करने के बाद कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने महिला की हत्या कर उसके शव को आग लगा दी। सभी पहलुओं को देखते हुए तहकीकात की जा रही है। वहीं पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी बुधवार को कोल्लूरू स्थित पशु चिकित्सालय गई थी। उन्होंने अपनी स्कूटी को शाहनगर के टोल प्लाजा के पास पार्क किया था। रात में जब वह घर वापस लौटना चाह रही थी तो उनकी स्कूटी पंचर थी। इसके बाद प्रियंका ने अपनी बहन को फोन किया और इसकी जानकारी दी। प्रियंका ने बहन से कहा कि मुझे डर लग रहा है। इस पर बहन ने प्रियंका को टोल प्लाजा जाने और कैब से आने की सलाह दी। प्रियंका रेड्डी ने कहा कि कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की है और थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। इसके बाद प्रियंका का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। जी हाँ, परिजनों ने शाहनगर टोल प्लाजा के पास प्रियंका की खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली। सुबह शाहनगर के अंडरपास के पास उसकी जली हुई लाश मिली है। सुबह ऐसा डेड बॉडी मिला था। अभी हम एक पूरे इंसिडेंट में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी वो कल रात को उधर उतरने के बाद कौन आया था और कौन उनको पिकअप किया था और वो पूरे के लिए हम CCTV कैमरास पूरा चेक कर रहे हैं। 10 टीम्स फॉर्म किया है और अभी क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड भी चेक कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।